नमस्कार, मैं हूं शरद पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहानाबाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जहानाबाद की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को मास्क पहनने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हर आदमी को मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने शहर के कई दुकानों का भी निरीक्षण किया, जहां ग्राहकों को और दुकानदारों को मास्क पहनकर अपनी दुकानदारी करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग लोगों के पास मास्क है लेकिन लोग पहनते नहीं हैं। मैंने जितने भी लोगों का निरीक्षण किया या जांच किया, लोगों के पास पॉकेट में मास्क है लेकिन वो पहनते नहीं हैं। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि वो सभी मास्क पहन कर निकले और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तुम क्या है? क्या दुकानदार है? क्या है? भागीना है, अभी आया है। क्या पहले मास्क मानो, पहले मास्क मानो। और इसी अभियान के तहत करीब दो हफ्ते पहले हम लोगों ने, हम और हमारे एसपी और पूरा जिला प्रशासन रोड पे निकला था और सभी लोगों को अवेयर किया था। आज पुनः मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम और हमारे सहयोगी एसपी और अन्य पदाधिकारीगण सभी लोग आज निकले हैं और एक ही दुकान में हम लोगों ने जाके निरीक्षण किया और साथ में सभी लोगों को जागरूक किया। जो रिक्शे वाले, ठेले वाले या जो अन्य लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, उनको आज हम लोगों ने मास्क दिया है और ये बताया है कि कोरोना की जो लड़ाई है वो मास्क का उपयोग कर और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बना के किया जा सकता है। बिना मास्क के पहने हुए लोगों को कुछ जुर्माना भी किया जाएगा? अभी तक जुर्माने के लिए कुछ निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। भविष्य में उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जुर्माने के लिए भी निर्देश प्राप्त होगा। ऐसे हम लोगों ने इसके पहले जो अभियान चलाया था उसमें दुकानदारों को हम लोगों ने एक सोशल लेबिलिटी के अंतर्गत उनको हमने कहा था कि आप लोग अपने दुकान के सामने मास्क रखिए और जो लोग बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क दीजिए और बिना मास्क के किसी को भी अपने दुकान में प्रवेश नहीं करना। सर, कई सरकारी कार्यालयों में भी देखा गया है कि लोग बिना मास्क के उसी के लिए हम लोगों ने आज ये अवेयरनेस पुनः प्रारंभ किया है और एक हम लोग आज सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं कि किसी भी कार्यालय में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क आएगा तो कार्यालय प्रधान जो होंगे उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे और किसी भी दुकान में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क का करता है देखा जाएगा तो वो दुकानदार जिम्मेवार होंगे और सभी जगहों पर हम लोग एक
छोटा सा लिख के लगवाने जा रहे हैं कि बिना मास्क का प्रवेश वर्जित है।